Chapter 10, The Mole. Let's read this chapter. Have you ever seen a living mole? क्या आपने कभी जिंदा मोल को देखा है? Mole means a small rat-like animal. Perhaps you have not, for it is not easy to catch sight of this strange little fellow. शायद आपने ना देखा हो, इस strange animal को देखना आसान नहीं है. The mole spends most of his life under the ground. Mole apni zyada life dharti ke niche hi guzarta hai. Quite often he comes above ground at night, but then of course it is too dark to see him. Kabhi kabhi raat ko ground ke upar aata hai, but us samay andhere ke karan use koi dekh nahi pata. Look at the picture of the mole. Mole ki is picture ko dekho. In some ways, he is like a rat, though his body is smaller, his tail is much shorter, and his fur is as soft as velvet. Bahut tarikon se ye chuhe ki tarah dikhta hai, kyunki iska sharir chhota hota hai, uski poonch bahut choti hoti hai, और इसके बाल बहुत ज़्यादा वेलवेट की तरह मुलायम होते हैं. इन वन वे ही इज़ लाइक अ वेरी लिटिल पिग, फॉर ही हैज़ अ शार्प पॉइंटेड नोज विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर डिगिंग. एक तरीके से वह एक छोटे सुअर की तरह होता है, क्योंकि इसकी नाक नुकीली होती है जो कि खोदने के लिए यूजफुल है. At first sight, you might say that a mole has neither eyes nor ears. पहली नज़र में इसे देखकर आप कहोगे कि इसकी ना आँखें हैं ना कान. Indeed, some people say that he is blind and deaf. असल में कुछ लोग कहते हैं कि यह अंधा और बहरा होता है. That is not quite true. यह सच नहीं है. द मोल हैज़ आईज एंड ईयर्स डीपली हिडन इन हिज फर. मोल की आँखें और कान उसके बालों में छिपे होते हैं. हिज आईज आर ऑफ लिटल यूज टू हिम, बट हिज ईयर्स आर वेरी कीन इंडीड. उसकी आँखें उसके बहुत कम काम आती हैं, पर उसके कान बहुत तेज़ होते हैं. Most of us have seen a molehill, though not many of us have looked carefully inside one. ज़्यादातर हमने molehill means उसकी सुरंग देखी है, but उसमें से बहुत लोगों ने उसके अंदर ध्यान से नहीं देखा होगा. In the middle of a molehill, the little animal has a cozy nest of leaves and grass. मोल के बीचों बीच इस छोटे जानवर का पत्तों और घास से बना आरामदायक घोंसला होता है. फ्रॉम हिज नेस्ट ही मेक्स मैनी टनल्स अंडर द ग्राउंड. अपने घोंसले से वह ग्राउंड के अंदर बहुत सारी टनल्स बनाता है. विद हिज हार्ड पॉइंटेड नोज ही बोर्स वेरी क्विकली थ्रू द अर्थ, using his front paws as spades to scrape aside the loose earth. अपनी सख्त नुकीली नाक से वह बहुत जल्दी धरती को खोद देता है. अपने आगे के पैरों को वह स्पेड की तरह यूज़ करता है और खुदी हुई मिट्टी को साइड में लगा देता है. Very often a mole's tunnel leads to a stream where he may have a drink. अक्सर मोल की सुरंग एक स्ट्रीम को जाती है जहाँ से वह पानी पी सकता है. डिगिंग इज़ हार्ड वर्क एंड इट मेक्स द मोल अ वेरी थर्स्टी लिटिल एनिमल. खोदना एक मेहनत का काम है और इसलिए वह इस छोटे जानवर को प्यासा बना देता है. द मोल डिग्स इन सर्च ऑफ फूड टू. मोल अपने भोजन को ढूंढने के लिए भी खुदाई करता है.
His most tasty meal is a nice worm, though he eats many kinds of insects as well. उसका पसंदीदा खाना है worms, चाहे वह और कई तरह के insects खा सकता है. Most farmers and gardeners do not like moles. ज़्यादातर farmers और gardeners mole को पसंद नहीं करते. They say that the little animals destroy their crops and spoil their fields and gardens. वो कहते हैं कि यह छोटा जानवर हमारी फसलों को ख़राब करता है. To tell the truth, moles really do something good for the farmer's ground by turning it up as they make their tunnels. सच बताएं, moles किसानों की ज़मीन के लिए tunnels खोदकर कुछ अच्छा भी करते हैं. Besides, they eat many insects which harm the farmer's crop. इसके अलावा वह कई तरह के ऐसे इंसेक्ट्स को भी खाते हैं जो कि किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं.